नमस्कार साथियों, जम्मू कश्मीर से गहरा नाता इसलिए भी है कि जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर दिया तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में हो रहे पथरावबाजी, अलगाववाद, सैनिकों पर हमले और आम जनमानस की हत्या, इसको उठाया था। और उस समय यूपीए की सरकार ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करती थी, हमने उस समय आंदोलन भी किया और 2011 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी आए। अपने देश के कई राज्यों से यात्रा गुजरी कलकत्ता से कश्मीर की, कहीं तिरंगा झंडा फहराने पे रोक नहीं लगी। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय भी थी, केंद्र में यूपीए और यहां एनसी की सरकार, इनका गठबंधन ये दिखाता है कि उन्होंने उस समय भी तिरंगा झंडा लहराने का विरोध किया, जेल में डाल दिया, यातनाएं हम सबको सहनी पड़ी और आज ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे, वो धारा 370 नहीं चाहते थे। लेकिन ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेके करते चले गए। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशकों तक सहना पड़ा, 45,000 लोगों की हत्याएं यहां तक कर दी गई। देश के अन्य राज्य जहां आगे बढ़ रहे थे, यहां बॉम्ब शेलिंग से लेकर आतंकवाद, अलगाववाद, पथरावबाज की घटनाओं से यहां के लोग जान गंवा रहे थे। कश्मीरी पंडितों पर यात्राएं करके उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया। हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय कि एक देश में दो संविधान, दो प्रधान, दो विधान नहीं हो सकते, दो निशान नहीं हो सकते। और जब हमारी सरकार बनी, हमने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों से, पीडीपी से कह देना चाहता हूं, ये सदा सदा के लिए धारा 370 समाप्त हो गई है, अब कोई इसको वापस नहीं ला सकता है। क्यों वापस लाना चाहते हैं एनसी कांग्रेस? यही नहीं, रिकॉर्ड पर्यटक आज तक के यहां पर पिछले वर्ष आए, आगे और बढ़ने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर साजिश का पुलाव पका रहे हैं और ये साजिश इनकी ऐसी है कि वापस इसको पथरावबाद, अलगाववाद, आतंकवाद में झोंक दिया जाए। और राहुल गांधी जी, आपको तो राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये आपके शासनकाल में तो था ही नहीं, ना एनसी के ना कांग्रेस के समय। हमने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से उबारा है और हम ही इसको अब संवारेंगे भी। डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तो जम्मू कश्मीर का चहुंमुखी विकास होगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अध्याय समाप्त करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। 70% कमी आई है आतंकवादी हमलों में। और ये देखिए, केवल जम्मू कश्मीर नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी 75% के लगभग है। और माननीय गृहमंत्री जी ने कहा 2026 तक तो हम देश भर में से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवादी इलाकों से। ये है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार। दूसरी तरफ कौन है? वो राजनीतिक दल जो धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है। ये दोनों आफत वाली पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूं, हम राहत कैसे देने वाले हैं, ये हमारा संकल्प पत्र बताता है, जो 25 हमने उसमें संकल्प लिए हैं। धारा 370 हमने हटा दिया, सदा के लिए हटा रहेगा। महिलाओं को 18,000 रुपए प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी।
3000 रुपए हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, नौजवानों को हम कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपया देंगे, छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे, छात्रों को 3,000 रुपया हम लोग यात्रा का खर्च देंगे और 5,00,000 नौकरियां का प्रावधान सरकारी गैर सरकारी दोनों में हम लोग करके देंगे। आईटी हब हम जम्मू में खोलेंगे ताकि यहां पर भी रोजगार के अवसर उनके लिए हो सके। देखिए धारा 370 तब हटी जब केंद्र में भाजपा आई, केंद्र में भाजपा आई तो आयुष्मान भारत भी आया, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। 5,00,000 का इलाज मुफ्त में मिलता था, 7,00,000 का इलाज मुफ्त में देंगे। अब केंद्र की सरकार हमारी आई तो हमने पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया पीएम किसान में मिलता है, अब 10,000 रुपया पीएम किसान में जो मिलता है 6,000 प्लस 4,000 हमारे राज्य में आके 10,000 रुपया हम किसानों को देंगे। ये हम लोग दे रहे हैं। जितने रिकॉर्ड घर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 वर्षों में बने, कभी 10 वर्षों में नहीं बन पाए थे, कांग्रेस के 60 साल में मिला के नहीं उतने बने होंगे। कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की और उमर अब्दुल्ला जी की कि शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना पड़ जाए? क्या पीड़ा होती है उनको? राम मंदिर का विरोध भी करेंगे तो शंकराचार्य जी के मंदिर का विरोध भी करेंगे, तख्त सुलेमान करने की बात करेंगे? यहां की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं। अरे और छोड़िए, हरि पर्वत का नाम भी बदलने की आप बात करते हैं, कोई नारायण करने की बात करते हैं, क्या मजबूरी है चुनाव के समय इस तरह की बातें करने की? ये लोग बांटो और राज करो की राजनीति जो आज तक अंग्रेज करते आए, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर किया है। उमर अब्दुल्ला जी चुनाव लड़ने से भयभीत थे, हार जाएंगे, फिर लगा कहीं एक सीट से लड़ूंगा तो भी हार जाऊंगा, दो दो पे लड़ रहे हैं भाई। अरे भाई हार में आओगे तो दोनों पे भी हार जाओगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आज अफसल गुरु याद क्यों आता है? सवाल ये खड़ा होता है कि आज शंकराचार्य और हरि पर्वत का नाम बदलने का प्रणाम क्यों किया जाता है? सवाल ये होता है कि आज हक वाल्मीकि के, गुजर बकरवाल के और हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए शरणार्थी हैं उनके हक छीनने की बात क्यों होती है? बात यह है कि यहां के विकास पर अंकुश लगाने का और आफत खड़ी करने की बात ये लोग क्यों करते हैं? पीएसए हटाकर आफत खड़ी नहीं होगी क्या? मैं जम्मू के पत्रकारों से पूछता हूं कि आपके यहां पर नशे की समस्या, अगर कोई नशा बांटता है बेचता है तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? कोई उपद्रव मचाते तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अरे पीएसए बना ही इसलिए है। तो क्यों यह करना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल? तो जम्मू कश्मीर को फिर आफत खड़ी करना चाहते हैं। ब्लंडर ऑफ नेहरू से भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से पाई थी, ब्लंडर ऑफ अब्दुल्ला एंड गांधी और मंजूर करने के लिए हम तैयार नहीं।